हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं कलेक्टिव लेवल पर सभी साइंस के लिए आप लोगों की आज की एनर्जी चेक कर रही हूँ। आज का दिन आपके लिए कैसा रह सकता है? रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट कर सकती है। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, महादेव बताइए, साईं राम जी बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन की उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। फर्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन आप सडनली कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने किसी करीबी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूम के आ सकते हैं। आप में से कई लोग बोटिंग कर सकते हैं, हिल स्टेशन जा सकते हैं, या नदी पोंड या तालाब के आसपास जा सकते हैं, या वहां जाकर बोटिंग कर सकते हैं, किसी पिकनिक प्लेस पर जा सकते हैं। आज के दिन में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं रेगुलर की लाइफ को जी जी कर, कि रेगुलर सेम थिंग, सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, पढ़ना, लिखना, रात को सो जाना, एंड दैट्स ऑल। तो हो सकता है कि आप उस एनर्जी को चेंज करने के लिए अपने रेगुलर के कामों को इग्नोर करें और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और कहीं घूम के आएं। 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13, 31 आप में से कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं घूमने चले तो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने रेगुलर लाइफ के स्ट्रेस से पूरी तरह से बाहर निकल पाओगे। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन लाइट एनर्जी में रहेगा, उतनी हैवी एनर्जी में नहीं रहेगा। आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगी तो ज़रूर, लेकिन एक लाइट एनर्जी में। और चेक करते हैं आज के दिन आपका कैसा रहेगा। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग आज के दिन आसपास के स्थानों पर विजिट कर सकते हैं, सडनली कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना सकते हैं, एकदम से किसी से जाकर मिल सकते हैं, या हो सकता है कोई आपसे एकदम से मिलने आ जाए एंड आप एकदम सरप्राइज हो जाएं। 8, 17 एंड 28, 26 ये डेट्स, ये नंबर्स भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर आज के दिन आपको किसी प्रपोजल का, किसी के कॉल टेक्स्ट मैसेज का बहुत टाइम से वेट है, तो वो प्रपोजल, वो कॉल टेक्स्ट मैसेज आप में से कई लोगों को रिसीव हो सकता है। और चेक करते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आज के दिन हीलिंग वाइब्रेशंस है, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। आज के दिन आप खुद के साथ, खुद की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा स्पेंड करोगे, इंस्टेड ऑफ कि आप डे टू डे एवरी डे के कामों में उलझे रहो और हैवी एनर्जी में रहो। आज के दिन डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। मैं देख पा रही हूँ आप में से कई लोग ओवरबर्डन भी हो सकता है फील करें। आज के दिन आपको लगे कि काम करते करते थक गए हैं एंड आपको कहीं घूम के आना चाहिए, लेकिन स्टिल लगे कि यार काम को छोड़ के कैसे जाएं, और एकदम से कोई आपका करीबी आ जाए और आपको कहीं घुमाने ले जाए, ऐसी वाइब्रेशन भी है। 1, 19, 28, 10 कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट नंबर हो सकते हैं, प्रोमिनेंट डेट्स हो सकती हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है यहाँ पर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आज के दिन आप में से कुछ लोगों को कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, किसी की डेथ की न्यूज़, या फिर बात करें किसी तरह के किसी लॉस की न्यूज़, या फिर कोई घाटा, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, एंड आप लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन आप इतना परेशान होइए नहीं, पहले से अवेयर एंड अवेकन रहिए और बैलेंस रहिए। वहीं आज के दिन कई लोगों की कुछ विशेज जो हैं वो फुलफ़िल होती हुई दिखाई देती हैं, लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई देता है। 9, 18 एंड 27 डेट्स या ये नंबर्स भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सो आज के दिन आप में से कई लोगों की विशेज भी फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आई डोंट नो कितने लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटेकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। आज के दिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, कुछ ऑफर्स को लेकर बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, और आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहने वाले हैं और करियर में कुछ सेविंग करने वाले हैं। या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर अभी तक आप ज़्यादा खर्चे कर रहे थे तो अब आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करने वाले हैं एंड सेविंग्स की प्लानिंग करने वाले हैं।
आज के दिन हमें आप पॉजिटिव रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आसपास की रिलेशनशिप्स को लेकर, आपका जो भी है उन सभी चीज़ों को लेकर आज के दिन आप थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हो, केयरिंग रहोगे, प्रोटेक्टिव रहोगे। एंड डेफिनेटली मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सेविंग की तरफ बेसिकली मोर अटेंशन दोगे। एंड वहीं आज के दिन आप में से कुछ लोग लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर सकते हैं, आपको आपके एक्स की या फिर उस पर्सन की जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत याद आ सकती है, आप उसको इमोशनली बहुत मिस कर सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर या फिर कुछ और रिश्तों को लेकर जो अभी आपके साथ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि किसी की डेथ की न्यूज़ आपको मिले एंड उसके बाद आप एकदम से शॉक हो जाओ या सदमे में चले जाओ या थोड़ा सा परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे वाइब्रेशंस भी कुछ लोगों के लिए आ रही हैं। 5, 14 एंड 23 डेट्स कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, बाय फॉर नाउ, मे गॉड ब्लेस यू, फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपके कमेंट्स के नीचे अपना नंबर कभी भी मेंशन नहीं करती हूँ, तो ऐसे फ्रॉड्स लोगों की रिपोर्ट कीजिए एंड उनके चंगुल में मत फंसिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।